सोलन में हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। उनके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें अब बारिश की वजह से कम होने लगी हैं। कुछ समय से सोलन में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगी थीं। किसानों को फसलों को जिंदा रखने के लिए दूर दूर से पानी लाकर फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी फसलों को उतना पानी नहीं मिल पा रहा था जितनी की उन्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब हो रही बारिश ने किसानों की ये चिंता दूर कर दी है। वे खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फसलों को बारिश की बेहद आवश्यकता थी, लेकिन कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनकी फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अब जो ये बारिश आरंभ हुई है, अगर लगातार इसी तरह होती रहती है तो फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बारिश ना होने की सूरत में वे दूर दूर से पानी लाकर या पानी के टैंक से खेतों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन ये सिंचाई केवल नाम मात्र के लिए होती थी, जिसका ज्यादा लाभ फसलों को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब हो रही बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को बेहद लाभ पहुंचेगा, जिससे उम्मीद है कि मटर, गोभी, लहसुन की फसलें फिर से लहलहा उठेंगी। सुरेंद्र ठाकुर धारू की धार से हूँ, तो इतनी मुश्किल हो गई थी कि ये तो पानी सूखने के आसार हो गए। अभी भी अगर ये मौसम नहीं होता है तो ये मटर की फसल तो ये ख़त्म हो जाएगी, और अभी आसार कोई नहीं। अब अगर होती है तो इससे जो थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी उम्मीद जागी है, पर अभी तो बहुत बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ अब सिंचाई कर रहे लोग, कहीं पाइपों से दे रहे, पर पाइपों से जो बात बारिश से होती है, और वो बारिश के बगैर तो कुछ भी नहीं है। चाहे कितना ही कूल हो, चाहे कितनी आप स्प्रिंकल लगाओ, जो बारिश है तो बारिश ही है। अब उससे तो राहत मिल जाएगी, और ऐसी उम्मीद है कि आज ये बारिश की संभावना है, क्योंकि बादल चारों तरफ है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी, बर्फ़ भी पड़ सकती है। चूड़धार में तो बर्फ़ शायद 2 फुट 3 फुट बर्फ पिछले कल पड़ गई। देखिए, इससे पहले जो बारिश के बगैर बहुत समस्या हो गई थी, और इस बार जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश हुई नहीं है। अब जो बारिश हो रही है या होगी, उम्मीद है, तो इससे जो है तो काफ़ी राहत मिली है। और बारिश नहीं हो रही थी तो आपको क्या दिक्कत आ रही थी? पानी जो है पाइपों द्वारा फसलों में लगाना पड़ता है, ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती, तो वो तो एक आधी अधूरी सिंचाई बन जाती है। उससे फसलें जो ख़राब होनी भी नहीं है वो भी ख़राब हो सकती है, और हो रही है। तो इसलिए जो है, अगर बारिश हो जाती है तो हमारा जनजीवन जो है बड़ा अच्छा बीत सकता है।